नमस्कार, तरुस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर से लेकर अभिनंदन के पाकिस्तान की गिरफ्त में आने से लेकर हिंदुस्तान वापसी तक एंड उसके बाद अभिनंदन ने चाय पी, अभिनंदन का इलाज चल रहा है, अभिनंदन की ये स्टेटमेंट्स हैं, अभिनंदन का ये परिवार है, अभिनंदन का घर ये है, अभिनंदन की बीवी के बारे में से लेकर वो तमाम चीज़ें हिंदुस्तान का मीडिया आप तक पहुंचाता आ रहा है। जहां से अभिनंदन आते हैं उसी इलाके से यानी उसी स्टेट से एक और शख्स हैं जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, एक एक्टिविस्ट है जिनका नाम है मुगिलन, जो 16 तारीख यानी फरवरी 16 तारीख से लापता है। 18 दिन हो चले हैं उनके लापता हुए, आज तक किसी भी मेनस्ट्रीम मीडिया ने या फिर छोड़िए रीजनल जो मीडिया है जो बड़ा नाम है यहाँ का उसने तक इनकी खबर नहीं चलाई। पूरा का पूरा जो सोशल मीडिया है वो भरा पड़ा है मिसिंग मुगिलन, मुगिलन के बारे में जानना चाहता है, लेकिन किसी भी मीडिया हाउस के पास इतना समय नहीं है कि वो अभिनंदन की स्टोरी से बाहर निकलें और एक और स्टोरी जो कि शायद उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितने की अभिनंदन की थी उसके बारे में कुछ लिख सकें। आखिर मुगिलन है कौन? मुगिलन और स्टरलाइट का नाता क्या है? मुगिलन क्यों गायब हुए? मुगिलन को गायब करने के पीछे हाथ किसका है? 14 वो लोग जो निहत्ते थे जिनके ऊपर पुलिस वालों ने गोलियां चलाई, सीधे गोलियां दागी थी स्टरलाइट के इशू पे, आखिर उसके पीछे के लोग कौन हैं? मुगिलन को किससे खतरा था? मुगिलन ने जो एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जो कि 15 तारीख को ही रिलीज करी गई थी जिस दिन मुगिलन गायब हुए, मुगिलन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी चेन्नई के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से, उसके बाद वहां पर क्या हुआ, किसके खिलाफ मुगिलन बोले, ये तमाम सवालों का खुलासा आज हम करने वाले हैं। मुगिलन, उम्र 51 साल, गांव चिन्नमलई, ईरोड डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु में आता है ये। इनकी लव मैरिज होती है, पत्नी का नाम पुंगुड़ी। पुंगुड़ी के बारे में ये बहुत फक्र के साथ कहते हैं, एक दिए गए इंटरव्यू में ये कहते हैं, पुंगुड़ी ने इनसे ये कहा कि आप देश संभालें, मैं घर संभाल लेती हूं। और इस बात को हुए 18 साल हो गए हैं जो मुगिलन है वो समाज सेवा में लिप्त रहे, वो एक एक्टिविस्ट की जिंदगी जीते रहे जो कि आसान नहीं है। मुगिलन के बारे में अगर आपको कुछ और जानना है तो स्टरलाइट के खिलाफ इन्होंने आंदोलन छेड़ा, जो कोडनकोलम जो पावर प्रोजेक्ट है तमिलनाडु में उसके खिलाफ भी इन्होंने आंदोलन छेड़ा। इसके बाद 8-लेन हाईवे जो सेलम से लेके चेन्नई तक 8-लेन हाईवे बनने वाला था जिसकी नींव गडकरी साहब ने रखी थी उसके खिलाफ भी इन्होंने आंदोलन छेड़ा था। खिलाफ इसलिए क्योंकि लाखों की तादाद पर किसान उसमें मर रहे थे, लाखों घर उजड़ रहे थे, 5 से भी ज़्यादा जंगल नष्ट हो रहे थे जिसकी ज़रूरत हकीकत में थी ही नहीं। यानी चेन्नई से सेलम की जो सड़क है वो पहले से ही बहुत पुख्ता है, बहुत अच्छी सड़क है, और जो ये दूसरी सड़क बन रही थी जो स्कीम था पूरा, ये एक बहुत बड़ा स्कैम था जिसके खिलाफ काफ़ी सारे एक्टिविस्टों ने अपनी आवाज़ बुलंद करी थी। ये वो लोग हैं जो सवाल पूछते हैं, ये वो लोग हैं जो आपके और हमारे हित के लिए खड़े होते हैं, ये वो लोग हैं जिनको तनख्वाह नहीं मिलती है इन तमाम चीज़ों के लिए, ये निस्वार्थ भाव से हमारे देश के लिए काम करते हैं, ये वो लोग हैं जो अभिनंदन की तरह ही देश प्रेमी है, देशभक्त है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है अभिनंदन को वाहवाही मिलती है और इस देश से देशभक्त को देशद्रोही का तमगा मिलता है, राष्ट्र विरोधी इनको कहा जाता है, एंटी नेशनल इनको कहा जाता है। यही सारे इल्जाम मुगिलन के खिलाफ भी लगे, स्टरलाइट के आंदोलन में इनको जेल की हवा खानी पड़ी। 1 साल तक इनको बेल तक नहीं दी गई, ये जेल में ही रहे। जेल से बाहर आते साथ ये शायद अपने पारिवारिक जीवन में वापस लौट सकते थे लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया, बल्कि स्टरलाइट में हुए, स्टरलाइट जो दंगा हुआ था उसमें हुए 14 लोगों की जो हत्या हुई थी, जो पुलिस वालों के द्वारा जो गोलीबारी हुई थी जिसमें 14 लोग मरे थे, उसके इन्वेस्टिगेशन में मुगिलन जुड़ जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन करते करते मुगिलन परत दर परत मुगिलन सच्चाई के करीब पहुंचते रहे। मुगिलन के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगता है जो कि तूतुकुड़ी के कलेक्टर ऑफिस के बाहर लगाया गया एक कैमरा था जहां पर ये तमाम गतिविधियां उस कैमरे पर रिकॉर्ड हो जाती हैं।
मुगिलन ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उस तमाम चीज़ों को सबूत के आधार पर रखकर वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं, जहां पर मुगिलन एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से इन 14 लोगों को मारने का प्लान बनाया गया, किस तरह से इन लोगों ने उन पर सीधे गोलियां चलाईं और कौन कौन था इसके पीछे, जिसमें साफ तौर पर मुगिलन दो लोगों का नाम लेते हैं, जिसमें है आईजी शैलेश कुमार यादव, दूसरे हैं डीआईजी कपिल कुमार सरतकर। इन दोनों का ही नाम जैसे ही बाहर आता है तो पुलिस के खेमे में सांप सूंघ जाता है। ये वो बड़े नाम हैं जो कि पूरे के पूरे स्टरलाइट इशू में जो सिक्योरिटी थी इनके हाथों में ही थी। मुगिलन के हिसाब से यही वो लोग थे जिन्होंने ऑर्डर पास किए थे कि आप सीधे लोगों पर गोलियां चलाएं। इससे पहले कि ये वीडियो वायरल होता, इससे पहले कि इनकी जो बात है वो लोगों तक पहुंचती, एक और खबर आ जाती है कि मुगिलन गायब है, मुगिलन लापता है। सूत्रों के अगर माने तो मुगिलन को आखिरी दफा चेन्नई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर 15 तारीख यानी फरवरी 15 को रात के 10:30 बजे देखा गया था। वहां से वो मदुरई की ट्रेन पकड़ने के लिए वहां पर प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे थे अपने साथी एक्टिविस्ट के साथ। इसके बाद पीपल वॉच इंडियन ह्यूमन राइट्स एनजीओ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेनरी का एक बयान आता है। उनके अनुसार ये कहा जाता है कि रात के 10:30 बजे मुगिलन ट्रेन में चढ़ जाते हैं और उसके बाद रात 1:45 पर उनका फोन विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट में एक जो गांव है जिसका नाम है उलुकूर, वहां पर उनका फोन बंद हो जाता है। इसके बाद मुगिलन का कुछ अता पता नहीं है। और दूसरी थ्योरी ये आती है जो पुलिस की थ्योरी है, पुलिस ये कहती है ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं मुगिलन को ढूंढने के लिए, जैसे मिल जाएंगे हम बता देंगे। जो ये रवैया है पुलिस का और यहाँ की सरकार का, इतना ढीला रवैया है कि आप उनसे कोई भी सवाल करें वो आपकी सवाल को पलट देते हैं या फिर उस सवाल का सही सही जवाब नहीं देते हैं। ऐसे ही कुछ मीडिया कर्मियों ने जब यहाँ के सीएम एडप्पाडी पलनीस्वामी से कुछ सवाल पूछा कि मुगिलन कहाँ है, मुगिलन की तलाश क्यों नहीं हो रही है, तो उनका जवाब ये था कि जो मुगिलन का परिवार है वो अभी तक उनसे संपर्क नहीं किया है, उनके पास नहीं आया है, जब उनका परिवार आएगा तो हम उनकी तलाश की जो कोशिश है वो शुरू कर देंगे। ये हमारे देश के सीएम हैं जो एक इंसान, एक एक्टिविस्ट गायब हो जाता है कुछ एक घंटों में, बजाय कि उन पुलिस वालों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता या फिर एक इंक्वायरी बिठाई जाती या फिर मुगिलन को प्रोटेक्शन दी जाती, मुगिलन गायब हो जाते हैं और 18 दिन के होने के बाद भी मुगिलन की तलाशी अभियान का कोई नतीजा नहीं दिखता है। सोमवार को इस पूरे मसले को CB-CID के हाथ में दे दिया गया है। अब CB-CID मुगिलन की तलाश में जुड़ चुकी है। सवाल ये उठता है कि हमारा मीडिया ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कैसे मिस करता है। सवाल ये उठता है कि जब आपने अभिनंदन की खबर ख़त्म कर दी, जब अभिनंदन हिंदुस्तान पहुंच गए हैं, उसके पश्चात तो कम से कम जो देश के बाकी खबरें हैं उनको उठाइए। ये वो इंसान है जो शायद किसी सैनिक से कम नहीं है। जो सैनिक बाहर बॉर्डर्स पे लड़ते हैं, ये वो लोग हैं जो सोसाइटी में जो गंदगी होती है उसको साफ़ करने की कोशिश करते हैं, जिसमें इनको कोई फ़ायदा होता भी नहीं है। इनको इसी तरह से कठिन परिश्रम के साथ जीवन गुजारना पड़ता है और हमेशा इनकी भी जान को उतना ही खतरा होता है जो कि एक बॉर्डर में खड़े हुए जवान को। हमारी दरख्वास्त है उन तमाम लोगों से जो भी इस खबर को देख रहे हैं, कृपया करके इस खबर को उतना शेयर कीजिए जितना कि इन तमाम लोगों ने जो भी हरकत करी है, जिसने भी मुगिलन के साथ कुछ भी गलत किया है, उनके मन में भय हो और मुगिलन को सही सलामत वापस भेज दें। इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। बने रहे हमारे साथ रूस्टर न्यूज़, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ी हुई होती हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको वो तमाम खबरें मिलती रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। धन्यवाद।